हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट शुभ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे। अक्टूबर 1 से लेके 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, और इसके दौरान एज ए क्लिनिशियन होने के नाते मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ही हम इसके पेशेंट के सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो कैन बी रिड्यूस टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम कुछ डाटा की बात करें तो आउट ऑफ 29 वुमेन वन विल गेट ब्रेस्ट कैंसर इन देयर लाइफ स्पैन, एंड एवरी 4 मिनट वन विल गेट डिटेक्टेड और डायग्नोज टू हैव ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया, एंड एवरी 13 मिनट वन वुमेन विल डाई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम इन फिगर्स की बात करें तो डाटा काफ़ी ज़्यादा है, एंड ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेवलेंट कैंसर इनसाइड द वूमेंस। तो वूमेंस, स्त्रियाँ कैसे पता कर सकती हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्ट एटलीस्ट कर सकते हैं टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट? तो उसके लिए वो क्या करें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके वो पता कर सकते हैं कि कैसे ब्रेस्ट में कैंसर डेवलप हो रहा है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे निप्पल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, ब्लड का, सीरस का, या फिर किसी तरह का पस या फिर मवाद आना। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निप्पल का अंदर चले जाना, निप्पल का ब्रेस्ट के अंदर चले जाना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। स्किन चेंजेस अराउंड द निप्पल, निप्पल के चारों तरफ स्किन चेंजेस हो जाना भी एक ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण है। ब्रेस्ट में किसी भी तरह की अगर दबाने पर आपको गांठ प्रतीत होती है तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का एक सस्पेक्टेड और एक लक्षण हो सकता है। तो इन चार पांच बातों को आप जान के, अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके अगर आपको किसी भी तरह के ऐसे लक्षण मिलते हैं, टू ए सर्टेन एक्सटेंट हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ द की ऑफ मैक्सिमम सर्वाइवल एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ब्रेस्ट कैंसर। और बाकी जो स्क्रीनिंग है जब भी आप करवाना चाहते हैं, हर एक साल में, हर पाँच साल में, आफ्टर द सर्टेन एज, वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जनरल सर्जन से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। बट अपने घर पे रहकर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन डेली, जब भी आप नहाते हैं तो ये सारे चीज़ें आप अपनी ब्रेस्ट में अगर कोई भी चेंज ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी गांठ की प्रतीत होती है, कोई भी डिस्चार्ज, कोई भी मवाद, पस या ब्लड आ रहा होता है, या निप्पल अंदर की तरफ चली गई है, या कोई स्किन चेंजेस हो गए हैं, या कोई आपको किसी भी तरह का गांठ या फिर कोई भी मांस या फिर कोई भी नोड्स आपको दिखाई देती है एक्जिला में या ब्रेस्ट के ऊपर, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं आप कहीं ब्रेस्ट कैंसर के पीड़ित तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर किस फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फीमेल्स दोज हु हैव लेटर प्रेगनेंसी, जिनको प्रेगनेंसी लेट होती है आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर्स, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोज हु डू लेस ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीड कम करती हैं, स्ट्रेस, जो एक्सेसिव स्ट्रेस रखते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग का कंजम्पशन करते हैं, नाइट शिफ्ट, जो अपनी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, यूजुअली जो वर्किंग फीमेल्स हैं जो उनकी डे और नाइट्स की शिफ्ट रहती है, तो और जो हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे हैं या फिर OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो ऐसी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ, तो हम एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है फीमेल्स के अंदर। आउट ऑफ एवरी 29 वुमेन वन विल सस्पेक्टेड टू हैव ब्रेस्ट कैंसर, एंड मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, डेथ की हम बात करें, तो एवरी 13 मिनट, हर 13 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के कारण। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन द फीमेल्स, जिसके कुछ लक्षण हमने बताए हैं और कुछ फोटोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, जिनको आप देख के लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ शेयर टू द मैक्सिमम फॉर द जनरल अवेयरनेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इवन आफ्टर दैट। डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। थैंक यू, हैव ए गुड डे।